कहती हो कि मैं वो जॉब छोड़ दूंगी या जॉब छोड़ दूंगा, तो क्या करोगे? कुछ और करोगे? वहां से एकदम से पैसा आने लग जाएगा? नहीं आएगा। बट रेंट तो एकदम से देना है ना घर का, वो तो आकर के खड़ा हो जाएगा आपके दरवाजे पे। तो महीना हो गया, निकालो पैसे। पैसे तो मेरे पर नहीं है जी, मैंने जॉब छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? मेरा सपना है। वो तेरा सपना है, मेरे पैसे दे मेरे को भाई, मुझे क्या मतलब है तेरे सपने से? ये अजीब तो नहीं लग रहा सुनने में? रियलिटी है, पहले रियलिटी को समझना होता है। आप क्या कह रहे हो? जॉब में प्रॉब्लम है? डेफिनेटली है। अब आप क्या इमेजिन कर रहे हो कि बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है? करके देखो करके देखो ना, तब पता लगेगा। दोनों जगह पे प्रॉब्लम है, अलग अलग तरह की है। आप समझ गए? मतलब बिल्कुल ऐसा है कि आप रेगिस्तान में खो गए हो और एक तरफ से आप समुद्र में खो गए हो। तो आप कह रहे हो काश मैं समुद्र में नहीं खोता, रेगिस्तान में खोता। तो कहीं भी खोए, दोनों जगह खोया पड़ा है। तो अपना काम करने का जैसे ही सोचोगे, वहां पे अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी काम करोगे वहां पे क्रेडिट का पंगा आ जाता है। जिसके भी पास जाओगे अपना कुछ भी प्रोडक्ट बेचने के लिए, कुछ भी करने के लिए, वो कहेगा हाँ भैया उधार दे दे। पैसे डूब जाते हैं, खर्चे एकदम से बढ़ जाते हैं, कमाइयां बढ़ती नहीं है। तो जो होता है वो भी सब खत्म हो जाता है। ये सब रियलिटी है। पहले इस रियलिटी को समझा जाता है, फिर एक्ट किया जाता है। जिसको हम नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग समझते हैं, वो बेवकूफों वाली बातें हैं। हम पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या समझते हैं? कि मैं ये करना चाहती हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मुझे जल्दी से चार्ज अप कर दो ये करने के लिए, मैं मोटिवेट हो जाऊं और मैं वो करूं और मेरे को सक्सेस मिल जाए। इसको हम पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं, इसको फूलिश थिंकिंग बोलेंगे। और नेगेटिव थिंकिंग हम क्या बोलते हैं? कि मैं ये करना चाहता हूं लेकिन मेरे मन में ना बार बार थॉट्स आते हैं कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ये नेगेटिव थिंकिंग है, ये प्रैक्टिकल थिंकिंग है। कि मैं आसमान से छलांग लगाना चाहता हूं लेकिन अगर मैं गिर गया तो क्या होगा? भाई तू गिरेगा ही, पैराशूट कहां है? वो क्या होता है पैराशूट? पहली बार सुना है उसके बारे में। ऐसी भी कोई चीज होती है? वो भी दो लेने पड़ते हैं। एग्जैक्टली, कि अगर एक ना खुले तो क्या करोगे? तो बैकअप प्लान क्या है आपका? If you're saying मेरे को अपना कुछ करना है, और अगर वो एक्चुअल में बैकअप प्लान है, तगड़ा फुल प्रूफ कोई बैकअप प्लान है, आपके घर वाले पूछते हैं और आप उनको एग्जैक्टली बताते हो, देखो ये मेरा बैकअप प्लान है कि मैं अपना ये छोड़ करके अगले 3 महीने तक अपना ये ट्राई करने वाली हूं। अगर 3 महीने में कुछ नहीं हुआ तो यहां से 20,000 रुपए आ रहे थे, 60,000 रुपए मैंने जोड़ रखे, ये लो। समझे? इसको बैकअप प्लान बोलते हैं। अब उस 3 महीने में जो आपको करना है उसके लिए भी पैसा चाहिए, वो कहां से आएगा? अच्छा, उसके लिए मैंने 20,000 अलग से जोड़ा हुआ था अपने दूसरे लॉकर में, आपको नहीं पता इसके बारे में। होते हैं ना ऐसे कुछ लॉकर्स होते हैं हमारे? हाँ हाँ जी, खुफिया लोगो। वो 20,000 रुपये वहां से आएंगे, ये 60,000 रुपये ये रहे आपके। अब मस्त रहो, अब टेंशन मत लो। कुछ नहीं हुआ तो लाइफ वैसे ही चलेगी जैसे चल रही थी। अब वो मना करेंगे? अब वो मना कर सकते हैं? नहीं। बट हम ऐसे नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं एकदम से हमको स्टेप उठा लें। हम पाना सब कुछ चाहते हैं, खोना कुछ भी नहीं चाहते हैं। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस हम नहीं समझते हैं। हम प्लानिंग को नेगेटिव थिंकिंग समझ लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल आप कुछ भी करते हो, जैसे कोई भी अपना काम करते हो, वहां का सबसे पहला स्टेप पता है क्या होता है? कि फेल हो गया तो क्या होगा। अब आपको कैसे देखना है फेलियर रेट? ये नहीं कि इमेजिन करते रहना है कि नहीं 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 पूरी दुनिया फेल हो रही है इस काम में, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी है, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है। एनर्जी से क्या होता है? बहुत लोग बहुत फड़फड़ा करके कुछ काम करते हैं, ना फेल हो जाते हैं। खुद को भरोसा भी नहीं होता। दो तरह के भरोसे होते हैं, जो आपने भरोसा वर्ड यूज किया ना, पहले भरोसे को भी समझो। हम बोलते हैं खुद पे भरोसा। खुद पे भरोसे का मतलब हम क्या समझते हैं? मुझे भरोसा है कि मैं कर लूंगा, मुझे भरोसा है। तो भरोसा इज बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग। आप कहते हो मुझे भरोसा है कि मैं गाड़ी चला लूंगा, किस बेस पे? मुझे गाड़ी चलानी आती है, सिंपल, मैंने गाड़ी चलाना सीखा है। और दूसरे क्या है, ऐसे ही एक्साइटेड हो जाते हैं, यार इसमें क्या है, गाड़ी चलाने में क्या है, स्टीयरिंग ही तो है, ठोक देंगे ले जाकर के। उसके बाद दोबारा कभी हिम्मत ही नहीं होगी गाड़ी को हाथ भी लगाने की। ऐसा होता है लोगों के साथ में? नहीं होता है। गाड़ी के नाम से ही डरेंगे। ऐसे ही बिजनेस में नहीं होता है लोगों के साथ? एक्साइटमेंट में कोई भी स्टेप उठा लेते हैं बिना सोचे समझे, फिर चारों तरफ से पिस जाते हैं। ना तो बिजनेस चल रहा है, इधर से घर वाले परेशान, इधर से रेंट की टेंशन, इधर से खाने पीने की टेंशन, और हर तरफ से आकर के पिस गए। ऐसा होता है लोगों के साथ में? नहीं होता है। फिर भरोसा तो टूट जाता है सर, भरोसा हमेशा के लिए टूट जाता है। अब कहां गया उस बंदे का भरोसा?
ये क्या, उसने आराम से प्लान करके ठंडे दिमाग से स्टेप उठाए। इसीलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, कभी ध्यान से आप लोगों ने सुना हो, लाइफ में हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ। अभी आपका एक सिस्टम बना हुआ है ना, पूरा महीने का एक प्लान बना हुआ है, तो ये नहीं कि एकदम से उस प्लान को ही आप छेड़ दोगे। जैसे ही आपको शुरू करते हो तो सब अगेंस्ट होते हैं, वो भी अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते हो तो अगेंस्ट नहीं होते हैं, जो उनको समझ आएगा। उनको कब समझ आएगा, जब आपको समझ आएगा। बट हम इस समझ पे कभी काम नहीं करते, समझने में टाइम लगता है, समझने में ठहरना पड़ता है। जब आप जो भी करना चाहते हो उसको अच्छे से समझ जाते हो ना, तो वहां पर एक कमाल का कॉन्फिडेंस होता है। वहां पर आप अपनी आंखों में आप सामने वाले को बोल सकते हो, मैंने सब सोच लिया, आप टेंशन मत करो, सब सेट है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कहेंगे क्यों नहीं है, ये देखो ये है। अब वो कहेंगे ये हो गया तो ये है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, अच्छा ये हो सकता है, ये है, और बताओ इससे बुरा क्या होगा, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, कहता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।